ये कौन से जाहिल रिलीजियस लोग हैं जो कहते हैं खुदा खुद ब खुद आ गया है? खुदा तो आया ही नहीं है, कभी कोई ऐसा वक्त ही नहीं था कि खुदा नहीं था, खुदा आया ही नहीं है, खुदा तो हमेशा से है। तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखें, जो यूनिवर्सल ट्रुथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें। यानी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 2 + 2 = 4, ठीक है। अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करें तो जुल्म पर मबनी काम कर रहे हैं। आप दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये नजरिया अपनी मौत मर गया। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका हुआ है। 8 से नहीं, बिग बैंग के बाद से, जब वो हबल ने टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी 1920s में। हबल, आपको पता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था अमेरिका में। उसने टेलीस्कोप के जरिए जब ये स्टार्स की मूवमेंट देखी, इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो भी है, ब्लैक होल्स के ऊपर भी आप देख लें, और फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर भी देख लें, उसमें मैंने बताया था हु इज अल्लाह, उसमें भी बताया था। हदाया विक्ट्री चैनल के ऊपर हमारे भाई ने देखें किस तरह उसमें वैल्यू एडिशन की है, वो सारी वीडियोस हैं। तो हब्बल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजरामे फलकी हैं, यानी आसमान पे जितने आपको सियारे सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मीन्स कि वो आपसे दूर जा रही है। तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू हुई होगी। यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से ये स्टार्ट हुए थे, ये तो एक नेचुरल चीज है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम जीरो था। वॉल्यूम जीरो है और डेंसिटी इंफिनिट है, इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महा से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया।